आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो डिवाइस है और दोनों डिवाइस में, एक डिवाइस में बात करें तो इस डिवाइस में आपको यहाँ पे ब्लर इफेक्ट देखने मिलेगा, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। दूसरे डिवाइस के बारे में बात करें तो इसमें आपको कोई भी ब्लर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इस प्रकार का ब्लैक शेडो यहाँ पे आ जाता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे दोनों डिवाइस में MIUI 14 को अपडेट किया है। MIUI 14 को अपडेट करने के बाद एक में तो ब्लर इफेक्ट आ रहा है, दूसरे डिवाइस में ब्लर इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डिवाइस के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक जो मैं यहाँ पे डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ Redmi Note 10 Pro। ये Redmi Note 10 Pro डिवाइस है और इसमें ब्लर इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और दूसरे डिवाइस के बारे में बात करें तो ये जो मैं यहाँ पे डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ ये डिवाइस है Redmi Note 10, देख सकते हैं ये Redmi Note 10 डिवाइस है और इसमें मैंने MIUI 14 को अपडेट किया है और अपडेट करने के बाद इसमें कोई भी ब्लर इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेप को फॉलो करने के बाद आप अपने डिवाइस में ब्लर इफेक्ट को ला सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, थीम में जाना है, एप्स इन्फॉर्मेशन में जाना है। अगर आपने कोई भी थीम को अपडेट किया है तो उसको आपको अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है। पहला प्रोसेस आपको ये कंप्लीट करना है, देन आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम ऐप्स अपडेटर में जाना है और सिस्टम ऐप्स अपडेटर पे जैसे आप वहाँ पे जाइएगा तो थीम का जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे शो हो रहा है उसको आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। तो दोस्तों जब थीम को आप यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे अपडेट कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका जो ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ पे काम करना चालू कर दें। अगर फिर भी ये वर्क नहीं करता है तो आगे का नेक्स्ट प्रोसेस क्या कंप्लीट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं डाउनलोड का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों जब आपका यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लर इफेक्ट अभी भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आपका भी अभी भी शो नहीं हो तो देन आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के थीम वाले सेक्शन में चले जाना है, देन आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा, देन आपको क्या करना है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा कस्टमाइज थीम का, देख सकते हैं ये कस्टमाइज थीम वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉक स्टाइल वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, लॉक स्टाइल पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉक स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। लॉक स्टाइल पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एक ही यहाँ पे डिफॉल्ट थीम यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसको मैंने अप्लाई किया है, जो कंपनी के द्वारा दिया गया है। आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो आपको ऊपर में MIUI लिखा हुआ है वहाँ पर आपको टैप करना है। जैसे आप यहाँ पर टैप कीजिएगा तो जितने भी डिफॉल्ट थीम पहले के चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब सिंपली क्या करना है, कोई भी थीम को आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी थीम को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। जो भी थीम आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है वो आप यहाँ पे डाउनलोड को कंप्लीट कर ले। मेरा यहाँ पे डाउनलोड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे बैक होना है और बैक होने के बाद लॉक स्टाइल में ही रहना है और जो थीम आपने यहाँ पर डाउनलोड किया है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है और ये अप्लाई का प्रोसेस जब आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये डिफॉल्ट थीम आपको यहाँ पर शो हो रहा है और इसमें अब यहाँ पे ब्लर इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लर इफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे थीम में आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट थीम मैंने सिर्फ अप्लाई करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने डिवाइस में ब्लर इफेक्ट को ला सकते हैं। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लर इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और ये आपका 100% यहाँ पर वर्क करेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।